नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। आज से 100 साल पहले भारत के इतिहास का काला दिन था। 13 अप्रैल 1919 गुरु नगरी अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार ब्रिटिश भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। अंग्रेज अफसर जनरल डायर के हुक्मों के बाद चली गोलियों का शिकार देश के हजारों बेकसूर लोग हुए। 100 साल बाद भी लोगों के दिलों में वो जख्म आज भी हरे हैं। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर वो गोलियों के निशान मौजूद हैं। इस हत्याकांड को 100 साल आज पूरे हो चुके हैं और 13 अप्रैल 2019 को पूरा देश इस हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। तो वहीं जलियांवाला बाग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी के साथ पंजाब सरकार के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी जलियांवाला बाग पहुंचकर उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस नरसंहार में अपनी जान गंवाई थी। सौ साल बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा इस नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी गई। हालांकि इस मामले में ब्रिटिश सरकार ने अफसोस जरूर जताया है, पर उन हजारों लोगों के लिए सिर्फ अफसोस ही काफी नहीं है जिन्होंने अपनों को इस नरसंहार में खोया था। वही लोगों ने भी इस नरसंहार की निंदा करते हुए उसमें मारे गए हजारों लोगों को नमन किया है, श्रद्धांजलि प्रकट की है। जलियांवाला बाग नरसंहार को लेकर आज पूरे 100 साल हो चुके हैं और 100 सालों में कहीं ना कहीं हर साल शहीदों को नमन किया, शहादत को नमन किया जाता है। आज भी यहां पर कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग जो हैं वो शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक डिमांड जो है वो ज़रूर निकल कर सामने आती है कि जो वो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से एक कह सकते हैं कि जो लोग शांतिपूर्वक ढंग से आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे, उन पर जिस तरह से फायरिंग की गई, उनको जिस तरह से मारा गया, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर एक बार माफ़ी मांगे। हालांकि आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर यहां पर पहुंचे थे, उनके द्वारा भी शहादत को नमन किया गया और इस घटना की निंदा की गई। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, उनके द्वारा भी शहादत को नमन किया गया। इसी तरह से वेंकैया नायडू की बात करें तो वो यहां पर पहुंचे और उनके द्वारा भी शहादत को नमन करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन जिस तरह से लगातार डिमांड उठती नज़र आ रही है कि इस शहादत को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस पर अपना जो स्पष्टीकरण है वो साफ करे और जनरल डायर का जो ये अमानवीय कृत था इस पर कहीं ना कहीं माफ़ी मांगे। देखना यही होगा कि भारतीय मांग के अनुरूप क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस घटनाक्रम को लेकर माफ़ी मांगती है या फिर नहीं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि इस दिन हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हल्फनामा आए जिसमें उनका माफ़ीनामा हो कि वो इस घटना पर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम निकल कर सामने आया था उसके बाद इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में स्पष्ट हो चुका था कि कहीं ना कहीं जनरल डायर ने पहले ही सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। देखना यही होगा कि कहीं ना कहीं सियासत भी सरगर्म रहती है इस तरह के मुद्दों पर, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले पर अब क्या संज्ञान लिया जाता है। कैमरामैन हरिंदर सिंह के साथ विनित कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज़, अमृतसर। अप्रैल 1919 के दिन जो भी जलियांवाला बाग आया उसने वहां रखी विजिटर बुक में इस घटना की सिर्फ निंदा ही की। हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग जितने भी यहाँ पे बाहर से आए हैं साथी, चाहे वो नज़दीक से आए हों चाहे दूर से, वो अपने आप को खुशनसीब माने कि कम से कम हम उस एक मुहिम का, उस शताब्दी का हिस्सा हैं जो आज हम यहाँ पे वर्तमान में प्रेजेंट हैं। और रही बात जो एक इसको आप शहादत नहीं, नरसंहार हुआ था हमारे जो पूर्वज थे उनके ऊपर,
और इससे बड़ी शर्मनाक घटना इतिहास में नहीं कहीं पे भी, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो। और एक अंदर से दर्द उठता है जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनके गोलियों के निशान, एक कुएं को देखते हैं जो पूरा जिंदे आदमी कूद कूद के लाशों में तब्दील होकर के वो कुआ भर गया था। तो इससे बड़ी शर्मनाक वर्ल्ड के लिए कोई घटना नहीं है कि निहत्थे लोगों पर जो शांतिपूर्ण रूप से अपना एक सभा कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग करवा देना। अब सुनने में ये भी आ रहा था कि वहाँ से महारानी विक्टोरिया माफ़ी मांगने का कुछ ऐसा प्रपोजल चला था दो चार दिन पहले, लेकिन उन्होंने उसमें भी कहीं ना कहीं कंजूसी दिखाई है। और इससे पाप तो नहीं उतरेगा किसी भी, आप सरकार की बात करें, अंग्रेजी सरकार की या किसी पर्टिकुलर एक आदमी की, पाप तो नहीं उतर सकता, लेकिन एक शांति ये मिल जाती कि कम से कम उन लोगों को अपने कर्तव्य पर, अपने बुरे कर्म पे थोड़ा सा पश्चाताप हुआ है। और रही बात जब हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, अगर हम बात करें डिफेंस की, जैसे हम लोग अपना जीवन पूरा का पूरा डिफेंस में गुजार देते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा और जो एक जोश का काम करते हैं तो ये शहीद ही करते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि मैं यहाँ पर इस मौके पर हूँ। देखिएगा, हम इनकलाब मंदिर से एक टीम के साथ आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस शताब्दी जो शहादत दिवस है इस पर आज पहुँचे हैं। परंतु मैं देखा, मैंने रात को, मैं देर रात भी यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ VIPs के लिए तो दर्शन हैं, परंतु जनता के लिए दर्शन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखिएगा, जो प्रतिदिन शहीदों को नमन कर रहे हैं वो लोग तो बाहर परेशान हैं, और जो राजनीति करते हैं शहीदों पे, उनके लिए VIPs लाइनिंग और VIPs दायरा और उनको अंदर सीधा पहुँचाया जा रहा है। जिनको शहादत का मतलब नहीं पता उनको शहादत को नमन कराया जा रहा है, जिनको शहादत का पता है उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की केंद्र सरकार को शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देना चाहिए, ताकि भारत देश के अंदर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। शहीदों के ऊपर एक इनकलाब योग बनाना चाहिए, ताकि शहीदों के स्मारक स्थल और उनके पैतृक गाँव घर सुरक्षित किए जा सके। तो मेरा आपके माध्यम से यही एक संदेश है कि अगर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। मैं हाथ जोड़ के अरदास करता, हाथ जोड़ के कहना, मैं भावें राज्य सरकार है भावें सेंटर की सरकार है, आपां नूं चाहिदा एकजुट हो के जिदा देश नूं आपां अंग्रेजां नूं छुड़ा ले, एकजुट हो के प्रचार कीता है कि इदां ही आपां सारे इकट्ठे हो के एकजुट हो के कि अंग्रेजां नूं कहीए माफ़ी मंगवाउण नूं कर सकदे आपां, जो आपां आपा कही जाए नहीं हो सकता, सब कुछ होता है, भावें सेंटर भावें कांग्रेस हो, भावें BJP वाले हो, भावें अकाली दल हो, कृपा करके सारे नूं करना चाहिए कि तुसीं आप एक्शन लेना चाहिए तुहाडे ते। इसलिए 100 साल बाद भी 1919 का वो दिन हर किसी के जहन में है, हर किसी के अंदर भरा है तो बस आक्रोश, आक्रोश ब्रिटिश सरकार को लेकर, आक्रोश उन लोगों के नरसंहार को लेकर। आज भी जब जलियांवाला बाग में लोग उन दीवारों पर लगे गोलियों के निशान देखते हैं तो 100 साल पहले हुए नरसंहार का एहसास उन्हें छूकर चला जाता है, उस क्रूरता का एहसास जिसमें बहा था तो उन हजारों मासूमों का खून जो वैसाखी की तैयारियों को लेकर इकट्ठा हुए थे। 13 अप्रैल 1919 हुए खूनी साके नू लेके आज तकरीबन 100 वरे हो चुके ने और हर कोई इस शहादत नू नमन कर रहा है। कुछ देर पहला जिहड़े जलियांवाले बाग दे विच ब्रिटिश हाई कमिश्नर आए सी, उन्होंने इस विजिटर बुक दे विच सीधे तौर पर इस घटना नू शेमफुल दस्या, सीधे तौर पर कहा कि ब्रिटिश और इंडियन हिस्टरी दे विच ए एक शेमफुल एक्ट सी। उन्होंने इस घटना की निंदा की है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि साडा प्रयास है कि भारत के नाल जिहड़े ब्रिटिश हुकूमत के जिहड़े रिलेशन ने वो सही रहन। हुण तो कुछ देर पहला ही राहुल गांधी भी इत्थे आए सी ते सीधे तौर पर वो भी इस घटना नू अपने ही ढंग नाल जिहड़ा वृतांत है वो करते हुए नज़र आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहना सी द कोस्ट ऑफ फ्रीडम मस्ट नैवर एवर बी फॉरगोटन, ही सल्यूट द पीपल ऑफ इंडिया हु गेव एवरीथिंग द हैड फॉर इट। जय हिंद। यह राहुल गांधी के हाथ का लिखा हुआ इतने एक नोट है जिदे नाल वो कितने ना कितने शहीदों खुद इस नोट के राही श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आए हैं। कुछ देर बाद जिहड़े वेंकैया नायडू ने वो भी इतने पहुँचे और शहीदों श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आएंगे। कैमरामैन हरिंदर सिंह के नाल विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज़, जलियांवाला बाग, अमृतसर। 100 साल बाद भी 1919 का वो दिन हर किसी के जहन में है, हर किसी के अंदर भरा है तो बस आक्रोश। यह है शहीदां दी धरती जलियांवाला बाग, भारतवर्ष नू अंग्रेजी हुकूमत तो स्वतंत्र कराउण लई शांतमई अंदोलन विच शहीद होने वाले हजारा हिंदुस्तानी देशभगतां दे खून नाल यह भूमि सिंची हुई है।
इत्थे अंग्रेजी सरकार के जनरल डायल ने गोली चला के निहत्थियां नूं कतल किया सी। जलियांवाला बाग संसार भर में भारतीय नैशनल कांग्रेस के शांतिपूर्ण स्वतंत्रता अंदोलन का एक अटल दृष्टांत है। इस स्थान पर रौलट एक्ट के विरुद्ध रोस प्रगट करते निहत्थे पुरमन बेदोशे हिंदू सिखा मुसलमानों नूं ब्रिटिश सरकार ने 13 अप्रैल 1919 नूं विसाखी वाले दिन गोली चला के शहीद कर दिता सी। जलियांवाला बाग की भूगोलिक स्थिति अजिही सी और हुण भी है कि इस दे अंदर आउण दा ते बाहर जाण दा इक्को इक रस्ता सी। तुहानू दिखाना चाहूँगा ये रस्ता है जिथों इस वेले लोग इस जलियांवाले बाग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस तरीके नाल उस दिन जदों सैफुद्दीन ते सत्यापाल की रिहाई बारे अंदोलन किया जा रहा है, शांतमई ढंग अंदोलन किया जा रहा है, रौलट एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही थी। इस तरीके लोग अंदर दाखिल हुए और तुहानू दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि हुण शताब्दी मनाई जा रही है उस हत्याकांड की शताब्दी मनाई जा रही है, लोग अज भी इत्थे बहुत वड्डी गिनती दे विच इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरीके उदों भी इत्थे रौनकां लगियां होईयां सन। विसाखी का दिहाड़ा सी, लोग विसाखी दे मेले दे मूड दे विच इत्थे आए सन और ये उस स्थान है जिस स्थान पर पीड़ी गली तुम दिखाई है, वो स्थान है जिथे जनरल डायर दी फौज इत्थे बिल्कुल तैनात हो गई, एक घेरा कत लिया क्योंकि आले दुआले दीवारां सन, कितों भी भज्जन का रस्ता नहीं सी। इत्थों निहत्थे लोगों के बिल्कुल सामने गोलियां चलाईयां गईयां और इत्थों का मंजर थोड़े समय के ही बदल गया, बिल्कुल खून चीखो पुकार जिहड़ी इत्थे सारे पासे तारी हो गई ते लोग जिहड़े सन वो कुछ लाशां दे विच दब के मर गए, कुछ ने अपनी जान बचाई लाशां दे विच लोक के, कुछ ने बचन की कोशिश की, उन्होंने खूह दे विच छालां मारियां पर मौत जड़ी है पूरी तरह नाल इत्थे तांडव कर रही सी। सिर ते खून सवार सी और चलने वाले बाग दे विच निहत्थे लोगों के बिना चेतावनी दिते उसने हमला बोल दिता। उस वेले दी ए इमारत अजे भी प्रिजर्व करके रखी हुई है, तुसी जनरल डायर की बर्बरता जनरल डायर की क्रूरता के निशान अजे भी देख सकते हो, ये गोलियां निशान और दसिया जा रहा है कि 1650 राउंड फायर किए गए सन। तो जदों इस बारे पूछा गया जनरल डायर नूं तो उन्हें कहा कि मेरी ये गोलियां खत्म हो गई सन, जे होर हुंदियां तो मैं होर चलांदा तो होर भारतीयों नूं मारदा। विरोध करने वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए सन और जदों उन्होंने अन्नेवाह गोलियां वराइया गई तो यह शहीदी खूह है जिस दे विच बचन लिए उन्होंने छालां मार दित्तियां और ये तुहानू खूह अंदरों दिखाना चाहूँगा कि कितना डूंगा यह खूह है, पर जदों इत्थों लाशां कढ़ियां गईयां तो यह तला ते इस दी जो उपर तक जिन्नी भी उंचाई है ये एक बराबर हो चुकी सी और जदों लाशां कढ़ियां गईयां तो 120 लाशां इत्थों बरामद हुईयां। लोग जिहड़े इत्थे देख रहे हैं इस खूह दे तों इन्हां नाल गल करदे इन्हां तों जानन की कोशिश करते हैं कि इन्हां नूं की प्रेरणा मिलती है। मैम ये शहीदी खूह है, तुसीं दसोगे ये देख के तुहानूं की प्रेरणा मिलती है इत्थों? हाँ जी सर, इत्थों की प्रेरणा मिलती है? सानूं बड़ी खुशी हो जाती है देख के कि चलो उन्होंने याद विच है गए आ सी, सारे लोग इंडिया के लोग भी बाहर देशों के भी लोग आ जाते देखण नूं तो उन्होंने यादों विच देखते हैं, सानूं मन खुश हो जाता है उन्होंने जो शहीदी है उन्होंने विच असी चलो प्रार्थना करते हैं कि गांव भी वधिया होवे अपने इंडिया विच। बस 13 अप्रैल 1919 का दिन सी, यही मैदान सी जिस दे विच बहुत ही शांतमई ढंग नाल लोग नादरशाही कानून रौलट एक्ट का विरोध कर रहे सन, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे सन। अज भी इत्थे जश्न वाला माहौल है क्योंकि उस दिन विसाखी सी, अज भी विसाखी है और लोगों को की पता सी कि उन्होंने इस ढंग नाल अन्नेवाह गोलियां वराइया जानियां ने। अज भी इत्थे जलसे का माहौल है, फर्क सिर्फ इन्ना है कि हुण तंबू कनात लाए जा रहे हैं, उदो रड़ा मैदान सी और जदों अन्नेवाह जनरल डायर ने उन्होंने गोलियां वराइया तो लोग बचण वास्ते इस शहीदी खूह वाल भज्जे और इस खूह दे विच छालां मार दित्तियां। जदों इस खूह दे विच छालां मारियां उन्होंने बचण वास्ते तो इस खूह का तला तो इसकी उंचाई एक बराबर हो गए सन और दसिया जा रहा है कि इत्थे जो लाशा कढ़िया गई तो 120 लाशा निकलियां और बहुत सारे लोग जड़े सन वो एक दूजे के थले दब के ही मर गए।
इतने कुछ लोग मौजूद ने जिड़े कि शहीदी खून बड़ी श्रद्धा ना वेख रहे हैं, उन्होंने गलबात करते हैं कि उन्होंने इतने आके की प्रेरणा मिलती है। कुछ नौजवान ने की ना जी थोड़ा? मेरा नाम सारांश है। सारांश, इतने आके तो की प्रेरणा मिलती है? शहीदी खून देखा जिथे जनरल डायर की जी बर्बरता साफ नज़र आती है, की कहोगे? हम मेरे को ये देख के बहुत बुरा लगा कि जैसे उस टाइम पे जनरल डायर ने किया तो लोगों ने उसकी गोली से मरने के बजाय खुद अपने आप को इसमें कूद के शहीद कर लिया, तो बड़ा अच्छा वो नज़र देखने का वो है, बहुत दुख लगता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। लूं खंडे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देख के एकदम यूँ लगता है कि कैसे लोग इसके अंदर उस टाइम पर कूद गए और अपनी जान दे दी उन्होंने, उससे मरने से बजाय सोचा कि हम जान ही देते हैं। बिल्कुल, तुसी देख सकते हो यदि गहराई दिखाना चाहोगे तो कितनी गहराई है इस खून की, और इस खून के जो छाल मारिया लोगों ने और यह तला ये इन्नी दूर तक जोड़ा ऊंचाई है ये बिल्कुल भर गया सी और लोग एक दूजे के थले दब के मर चुके सन। कुछ होर लोग ने उन्होंने गलबात करते हैं कि क्योंकि अज का जोड़ा दिन है इस दिन लोगों के अंदर वाकई देशभक्ति का जज्बा उबाला मार रहा होंगे है। आप बताएंगे कि यहाँ पर आकर किस तरह की प्रेरणा मिलती है? बस हमारा तो 66 साल हो रहा है, आज के बच्चे सुन देख कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि देश के लिए कुछ कुएं में भी लोग कूद सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तुसी देख सकते हो कि अज भी वो जज्बा, अज भी वो जनून लोगों के विच मौजूद है और खास तौर पर जदों अजिहियां लासानी शहादतों नूं लोग देखते हैं तो उन्हां दा खून होर भी उबाले मारना शुरू कर दिंदा है।